जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मामला जिला झांसी के तहसील जरौठा अंतर्गत नगर गुरसराय का है, जहां पर 2022-23 का देशी शराब का ठेका गुराई मोहल्ला में खोलने के लिए स्वीकृत है, परंतु आबकारी विभाग की मेहरबानी से 3 महीने बाद यही दुकान मनमानी तरीके से रेंज चौराहे पर खोल दी गई। खोले गए नए स्थान के आसपास 25 वर्ष पुराना नर्सिंग होम वर्ल्ड ब्लू स्कूल, जिसमें लगभग 800 बच्चे अध्ययनरत हैं, कोचिंग सेंटर, वन विभाग कार्यालय, सरकारी गेस्ट हाउस एवं अनेक फैमिली आवास, जिनकी वजह से यहां देशी शराब का ठेका खोलना अनुचित है। स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जब इस संबंध में नगर के संभ्रांत नागरिकों ने क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी, निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी से शिकायत की तो उनकी भाषा चौंकाने वाली थी। उन्होंने शिकायतकर्ता से पहले तो ये कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है और ऐसा संभव नहीं है। तत्पश्चात शिकायतकर्ता से कहा कि आप दुकान की व्यवस्था करवा दीजिए, हम वही करवा देंगे, जो कि संपूर्ण वाक्य फोन में रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में भी शिकायत की गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी गरौठा एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी गरौठा ने कार्रवाई हेतु आबकारी विभाग को निर्देशित किया, परंतु अभी तक आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसे ये कहना पड़ रहा है कि आबकारी अधिकारी सरकार पर भारी, सरकारी नियमानुसार दुकान खोलने के पहले ही दुकान का नक्शा एवं चौहद्दी तय कर दी जाती है, तत्पश्चात उसके 1 साल की दुकान आवंटित की जाती है। ये अजीब मामला है कि दुकान आवंटित कर दी गई, परंतु स्थायी दुकान न होने की वजह से ये देशी शराब की दुकान कभी इधर खोली जा रही है, क्योंकि दुकान पर 100 लीटर अवैध शराब पकड़कर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाले आनंद साहब की मेहरबानी से आनंद ही आनंद है। योगी सरकार का सत्ताधीश है कि अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालयों के आसपास किसी भी प्रकार की कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, परंतु ये शराब ठेकेदार एवं आबकारी विभाग सीधा सीधा सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते नजर आ रही है। चूंकि नियमानुसार इसमें मुख्य भूमिका आबकारी विभाग की होती है, इस वजह से स्थानीय अधिकारी अपने आप को असहाय सब महसूस कर रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस देशी शराब के ठेके को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, ताकि विद्यालय के बच्चों, अस्पताल के मरीजों, सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों तथा सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने वाले अधिकारियों को व्यवधान पैदा न हो। जगत न्यूज 24 के लिए गरौठा से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार अग्रवाल। क्या समस्या है सर आप वाली? सर एक्चुअली क्या है कि बगल में दारू की ठेका खुल ली थी। हाँ। एक तो शाम के टाइम क्या दारू पीने वाले सीधे दुकान के पास बैठ जाते हैं कुर्सी पे, यही दारू पीते हैं, यही जो है गाली गलौज करते हैं, उनके लोग मना करो तो जो है लड़के को दारू हो जाती है, यही जो है दारू की बोतलें फेंकना उनको, यहाँ पे हम लोग अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, शाम को 6 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पास में कोई स्कूल भी है? हाँ सर, स्कूल है, बर्सन पुलिस स्कूल भी है और बगल में सर अस्पताल भी है। अच्छा। और हम लोग यहाँ बाहर बैठ नहीं पाते हैं, शाम को चलो थोड़े बैठे तो अंधे के लिए तो दारू वाले सामने आ जाते हैं और बस गाली गलौज करते हैं, उनकी बात नहीं हो पाती, बैठ जाते हैं, दुकान बंद करके चले जाते हैं 6 बजे। क्या करें भैया, दुकान खोल के बैठे, कुर्सी बैठ जाते, मना करो तो लड़ने को तैयार होंगे। स्कूल की बहन जी। क्या नाम है भैया? क्या समस्या है सर आपकी? जब से दारू का ठेका खुलवाया है, यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं दुकान के सामने और दारू पी के उसके सीधे व्यवहार है, दुकानदार ही कर पा रहे हैं। अच्छा, ये ठेका कहाँ के नाम से पास है? गुराई बाजार। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये रेंज चौराहा है, गुराई बाजार की दुकान रेंज चौराहे में खोल दी गई है। रेंज चौराहे पे कहीं भी मतलब सरकार ने दी। अच्छा, सरकार का निर्देश है कि कहीं भी अस्पताल के पास या विद्यालय के पास नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहीं अस्पताल विद्यालय है क्या? 100 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, 100 फुट की दूरी पे। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। आज की संबंधित शिकायत की है कोई? बिल्कुल शिकायत की है। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है। नाम है भैया आपका? अमित। कहाँ के निवासी हैं? गुरसराय प्रॉपर। अच्छा, ये देसी शराब की दुकान वाली क्या समस्या, क्या मैटर है? समस्या ही समस्या है इस दुकान को, तो हमने कई बार उनको बताया मौखिक रूप से, लिखित रूप से, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, इनके DO जो अधिकारी हैं उनको, इनके इंस्पेक्टर हैं उनको, थाना अध्यक्ष गुरसराय, क्षेत्राधिकारी गरौठा, SDM गरौठा, माना कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जहाँ हमने कंप्लेन नहीं की। और साथ ही नवीनीकरण वाली दुकान है, 5 साल से नवीनीकरण चल रहा है, हर वर्ष से हर 2-4 महीने में अधिकारियों की मिली भगत से जहाँ इनकी इच्छा होती है, जहाँ इनको लाभ दिखाई देता है, वहाँ ये अपनी दुकान रख लेती है। अभी मार्च में 3 महीने सामने चली, इसके पहले अड़जरिया जी के बगीचा में चली, उसके कुछ दिन पहले रास्ते गली में चली, ड्राई बाजार का साफ पॉइंट है। आज इनने गरीब आदमी की दुकान खाली करा के उसको डबल तबल किराया दे के उसको हटा दिया और अपनी दुकान यहाँ जमा ली।
मना करने पर अधिकारियों का बर्ताव ऐसा है, वो कहे हम जांच करेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, और वो इलीगल होगी तो हटा देंगे, कोई सुनते ही नहीं है। आपने उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने बिल्कुल गुमराह किया। नहीं, जो फोन पे आपकी बात हुई है, हमारी जो बात हुई, हमें मालूम हुआ कि 1 तारीख को यहाँ ये दुकान सर्च करने जा रहे हैं, 29 और 30 को हमें पहले पता लग गया। मैंने उनके उच्च अधिकारी जो DO होते हैं गोयल साहब, उनसे व्यक्तिगत रूप से फोन लगाया। उन्होंने हमसे ये कहा बिना हमारी मर्जी के दुकान आपकी नहीं आ सकती है, कैसे आ जाएगी? ठीक है, हम संतुष्ट हुए। उसके बाद मैंने फिर उनको फोन लगाया, साहब दुकान तो आ रही, दुकान खाली हो गई, फर्नीचर बनने लगा, आप कह रहे कैसे आ सकती, बोले हम जांच कराएंगे, देख लेंगे, इस टाइप से साफ करने लगे। इसके बाद इनका इंस्पेक्टर का आनंद सिंह का हमें नंबर मिला, उनसे भी बात हुई हमारी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ऐसे नहीं आएगी, बिना हमारी जानकारी में नहीं आएगी। ठीक है, दुकान जब शिफ्ट हो गई, हमने उनको फोन लगाया कि दुकान तो साफ शिफ्ट हो गई, बोले ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगी, फिर बोले कि दुकान आप दिलवा दो उनको, कोई दुकान नहीं मिल रही। हमें तो ऐसे लगता है कि साहब जैसे इसी में कुछ पार्टनर हो, तो कोई अधिकारी है, हमसे क्यों बोलेगा कि दुकान आप दिलवाओ, हमारी ड्यूटी है दुकान दिलवाने। भाई जहाँ इसकी चौधरी है, जहाँ इसका कागजों में लिखा हुआ, वहाँ दुकान खुलेगी कि अननेसेसरी चाहे जहाँ दुकान अपने व्यक्तिगत लाभ में रख लेंगे? अब साहब समस्या हमारी, हमारे ठीक बगल में हमारी दुकान है, इनने कि अपना कैंटीन का डिब्बा रख दिया है, यहीं इनके शराब वाले बोतल फेंकते हैं, पाउच फेंकते हैं, कई भी इनके दुकानदार के जो ग्राहक हैं वही दुकान के अंदर आके बैठ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं एक सिसिया दे दो, हमने कि भाई साहब बगल में खुल गया, वहाँ जाना पड़ेगा, और बदतमीजी हो, गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा, बड़ी समस्या है साहब, हमें दिन रात नींद नहीं आ रही, हम तो टेंशन में आ गए, हमें ऐसा लग रहा हो साहब हम बीमार ना हो जाए, और यदि कौन जैसी घटना हो रही, हमने प्रशासन, शासन, मीडिया सबको हमने बता। क्या नाम है भैया आपका? कमल राय नाम है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या सर जी, हमारे बगल में ही बिल्कुल आ गया है दुकान। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, लोग आते हैं हमारी दुकान में, घुस जाते हैं, दारू पी, नशे में तकत पे लेट जाते हैं। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कार्रवाई नहीं कर रहा सर, वो दुकान के द्वारे उल्टी करते हैं, पी के। नाम क्या है? क्या समस्या है आपकी? यहाँ शराब देखिए, शराब तो ठीका हो गया है, बुनी बढ़िया है, साथ में दिख नहीं पाते हैं, मतलब दारू करते हैं, साफ करते हैं। ये यहाँ जायज खुली हुई है, अनलीगल खुली हुई है, इसकी शिकायत की है? शिकायत की थी। कोई कार्रवाई हुई है? शुभ नाम क्या आपका? कहाँ की निवासी है? क्या समस्या है? ये समस्या यहाँ है, ये जो देसी शराब का ठेका है, ये मार्च में होता है, अभी इन्होंने चेंज किया है, यहाँ पास में कॉलेज है, अस्पताल है, पास में ही हमारा एक छोटे बच्चों का स्कूल है, पर्सन रूम, तो इनमें, और ये लोग जो पी के यहीं पूरी रात दम करते हैं, बच्चों को तो बड़ी समस्या है, पेशेंट है, यहाँ चिल्ला रहे हैं, आगे में आदमी डरता है, ये मेन चौराहा है दूसरा। इनकी चौहद्दी यहीं पास है कहीं और पास? नहीं, इनकी चौहद्दी यहाँ नहीं है, ये बुराई बाजार का ठेका है। हाँ। और ये यहाँ इस तरह से इलीगल तरीके से यहाँ हो रहा है। इसकी कोई शिकायत की है आपने? इनका अभी तहसील दिवस में दिया था, लेकिन अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए हैं? अभी पिछले शनिवार में तो दिया था, दो शनिवार हो गए। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई। ठीक, धन्यवाद। हेलो जी, नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं आप? जी। अच्छा सर, मैं गोरसराय से रेंज चौराहा से आदित्य एजेंसी की फर्म मालिक अमित गर्ग बोल रहा हूँ। जी। हमारी दुकान के ठीक सामने आपका एक बुद्ध की हाट का गुराई बाजार का देसी शराब का ठेका खुला हुआ है भाई। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र की दुकान हो, जो अंग्रेजी शराब भी है उसके ठीक बगल में। हाँ, खुला हुआ है ना, तो अब इसकी जानकारी मिली है कि 1 तारीख से ठीक हमारे बगल में ट्रांसफर करके दुकान लेके आ रहे हैं। सर, हम जी जानना चाह रहे हैं कि जी आपकी अनुमति से आ रहे हैं कि जी अपने मन से आ रहे हैं? आपने इसकी चौहद्दी ऐसा है, जो चौहद्दी जो है वो गौराई वाली दुकान उधर चल रही थी। हाँ। तो ये लोग उस समय तत्काल जैसे दुकान नहीं दिया इन्होंने किसी ने उनको। अच्छा, तो यहाँ कर लिया था, तो हमने कहा नहीं दुकान वहाँ कर लीजिए, तो इसलिए वो करेंगे। वो नहीं है उधर ही, वो मतलब जहाँ जैसे पहले चल रही थी ना,
तो उसी के आसपास जहाँ भी करेंगे। नहीं तो हमारा मतलब ये है कि सर जी हमारे ठीक बगल में आ जाएगी, हम लोगों के व्यापारिक यहाँ लेन देन चलता है, ग्राहक आते हैं, पास में स्कूल भी है, पास में एक अस्पताल भी है, छोटा सा एक मंदिर भी बना हुआ है, फैमिली भी इन लोगों की, पाठक जी है, अड़जरिया जी है, सभी लोग रहते हैं। तो आप उस पॉइंट को सर ऐसा देख लें कि कहीं हम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। देख लीजिए आप अगर कहीं वहाँ अगल बगल कोई और दुकान हो तो दिलवा दीजिए। नहीं नहीं, ये हमारा काम सर दिलवाने का नहीं है, नहीं तो हमारा काम आपको सूचना देना है। ये है तो कितना दूर होगा स्कूल, वो तो देखना हमारा काम है। हाँ वो आप अपने देखें, क्योंकि हम लोगों को सर दिक्कत नहीं हो पाए, हमारा निवेदन आपसे यही है कि आपको हम खुलने के पहले इसलिए सूचना दे रहे हैं कि खुल जाएगी, फिर आप कहेंगे पहले हम लोगों को क्यों नहीं बताया, कोई ऐसी दिक्कत थी। आप बड़े अधिकारी है, सब देख लेंगे, दूरी जो नियमानुसार होगी तभी चलेगा दूरी। और वो बुद्ध की हाट में इसका पॉइंट है सर, और रेन चौराहे पे पॉइंट कैसे चल जाएगा आप बताइए हमें। रैन चौराहा बुद्ध की हाट में सीधा कम से कम 800 मीटर का फर्क होगा, पॉइंट भी देखिए। गुराई वाला जो एरिया लगता है उधर चलेगी। हाँ तो जो हम बुद्ध की हाट में गुराई बाजार में इसका पॉइंट है, एड्रेस में साल जहाँ चल रही थी वहाँ से किधर खुल रही थी पिछले साल इनकी अर्जरिया की जी के बाड़े में खुला हुआ था। हाँ, हाँ, तो वही अगल बगल खुलवा। हाँ तो वहाँ अगर हम लोगों को सर बचा के चलो, आप फैमिली वाले हैं, व्यापार कर रहे हैं सर, कोई घटना घट जाए, दिक्कत हो जाए, डेली लेन देन है, तो आप थोड़ा निवेदन है आपसे कि अभी खुला नहीं। हाँ तो एक तारीख को बताया कि खुल रहा है, तो हमारा यही निवेदन है कि सब नहीं खुल पाए, आपको हमने बता दिया कि आप सब देख लेंगे स्कूल और सबकी दूरी देख लेंगे। ओके सर, ओके ओके ओके।